हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ संध्या और आप सभी का स्वागत है संध्या रसोई में। आज हम बनाएंगे एक कटोरी दाल से 1 किलो लड्डू, बहुत ही टेस्टी। कुछ इस तरह से हमने एक कटोरी दाल को भिगो दिया था 4 से 5 घंटे, और थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके हम इसको पीस लेंगे। और हम पेस्ट को थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे। इस तरह से हमने एक कटोरी दाल को पीस लिया है थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके, और ये हमने घी गरम कर लिया है। और इसमें हम इस तरह की छोटी छोटी सी चपटी चपटी गोलियां बना करके इसमें डालेंगे, टिकिया जैसी बना लेंगे, और इनको अलट पलट के हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कच्चापन निकल जाए दाल का। और कुछ इस तरह से हमने फ्राई कर ली है, हमने सेलो फ्राई की है। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरह से सभी टिकियों को अच्छी तरह से फ्राई किया और ठंडा होने पर इस तरह से तोड़ कर रख दिया, और फिर मिक्सर में इसको पीस लिया। इस तरह से ये ठंडी हो गई हैं और बाकी की टिकिया भी हम तल रहे हैं। और इस तरह से हमने मिक्सर में डाल करके इन सभी टिकियों को तोड़ लिया और इस तरह से दर दरा सा पीस लिया। जो कढ़ाई में घी बचा था उसमें हमने डाल दिए मेलन सीड्स, जिनको अच्छी तरह से भून लिया। उसके बाद डाल दिया हमने ये पिसा हुआ दाल का पाउडर, जैसा बन गया है ये। इसको भून लेंगे, जब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें अच्छी खुशबू ना आने लगे। और हमने सारी टिकियों को पीस करके इसमें डाल दिया है, और ये अच्छा बनने लगा है, अच्छी खुशबू आने लगी है इसमें। अभी हम इसमें डालेंगे, ये हमने 1 कटोरी दाल ली है तो 1.5 कटोरी चीनी लेकर के इसका पाउडर बना लिया है, और ये अच्छी खुशबू आने लगी है इसमें। और हम 4 इलायची का पाउडर बना लेंगे और वो भी डाल देंगे इसमें। और ये कलर, जो बूंदी का कलर होता है वो वाला कलर, हमने दूध में घोल करके इसमें डाल दिया है। 1 कटोरी पानी लिया और ये 1.5 कटोरी चीनी डाल दी उसमें, और अच्छी बॉयल आने तक पका लेंगे। और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी और चाशनी। कुछ इस तरह से चिपची चिप चिपचिपी सी बन गई है, और ये डाल दिया हमने पूरा का पूरा दाल का जो पाउडर था। और इसको हम डाल के कुछ देर भूनेंगे, उसके बाद हम इसे ढक करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो कुछ इस तरह से हो गया ये। अभी इसके हम गर्मा गर्म लड्डू बना लेंगे। बड़ी आसानी से लड्डू बन रहे हैं, और इस तरह से हम सभी लड्डू बना लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। 1 कटोरी दाल से कुछ इस तरह से 1 किलो के करीब लड्डू बन गए हैं, बहुत ही टेस्टी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और इस तरह से लड्डू ज़रूर बनाइए। फिर मिलेंगे किसी न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।